हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। मैं जब भी देखता हूँ तो अप टू क्लास 10th क्या क्लास 12th तक के बच्चे अगर किसी से पूछ ले जाए कि बेटा ये EDBCE में क्या अंतर है, तो ज़्यादातर मोस्टली इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या मतलब है इनका। खैर, जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता वो सीखेंगे इस चीज़ को। तो आज हम जानेंगे कि अगर जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किसी की चीज़ के पीछे AD लगा होता है, किसी के पीछे CE लगा होता है, किसी के BC या BCE, हिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं कि इस राजा ने ये काम तब किया, इस डेट में किया था, इसका जन्म जब हुआ था, ये वाला बैटल तब हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हिस्ट्री में हम आते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। तो आज हम इनको विद एग्जाम्पल एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैथ में प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, सो दैट आपको फ्यूचर में आई एम श्योर यू विल नेवर एवर गेट कन्फ्यूज अबाउट दीज डेट्स, कन्फ्यूज नहीं होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, बहुत सिंपल से तरीके से जानना है हमें, ADBC इनका मतलब समझना है क्या मतलब है, तो बिल्कुल घबराओ मत। देखो ये है आपका जीरो, यहाँ पे समझ लो जीरो है, ठीक है। जीरो से इधर जाओगे ये पॉजिटिव साइड है, जीरो से इधर जाओ ऐसे नेगेटिव साइड है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, देखो हिस्ट्री की मतलब जो डेट्स हैं इनको क्या एक स्टैंडर्ड बना दिया, कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उस वाले समय जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उस वाले जन्म के समय को मान लिया जीरो लोगों ने, ठीक है। तो जन्म से पहले के टाइम को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि इस समय क्राइस्ट थे नहीं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बना दिया, जब जन्म हुआ था वो वाला टाइम तो हो गया जीरो, यहाँ पर बना दिया जीरो। तो जन्म से पहले की कहानी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जन्म के बाद की कहानी आफ्टर क्राइस्ट। तो जब भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट नहीं थे उससे पहले की बात। और इधर आप जाओगे पॉजिटिव साइड में, इधर सारी सारी चीज़ें आएंगी आफ्टर क्राइस्ट, ठीक है। तो जन्म से पहले की जितनी भी चीज़ें उसमें या तो BC लगा होगा, कई बार लिखा रहता है वहाँ पे VCE, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और जीरो के बाद के टाइम को कई बार लिखा रहता है CE, CE का मतलब होता है कॉमन एरा। या आप देखो जन्म के बाद, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट ये स्टैंडर्ड मान लो, ये जीरो हो गया, जन्म के बाद जीरो, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद इधर अगर टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो उसमें या तो AD लगेगा या CE लगेगा, दोनों का मतलब सेम है। हिंदी में इसको बोलते हैं यहाँ पे ECB लगा रहता है, ECB में, और इधर हिंदी में लगा रहता है ईसा पूर्व, हम जनरली पढ़ते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब BC, ठीक है। ईसा देख रहे हो ना, ईसा, ईसा मतलब ईसा मसीह, क्राइस्ट जो जेसस क्राइस्ट है उन्हीं को क्या बोलते हैं, ईसा बोलते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो जीरो वाला टाइम इस जीसस क्राइस्ट वाला जन्म हुआ था, इससे पहले का मतलब बिफोर क्राइस्ट, या तो BC लगा दो या BCE लगा दो, इनकी फुल फॉर्म आपको क्लियर याद ही हो गई होगी। और जीसस क्राइस्ट के बाद वाले टाइम के आगे AD लगा दो या CE लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और एक BP भी लगा देते हैं बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, तो अब यहाँ पे इन चार चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहेगा, ADCE। तो इन दोनों को कई कई बार अल्टरनेटिवली यूज करते हैं, कई जगह पे कई बुक्स में AD लिखा रहता है, कई बुक्स में CE लिखा रहता है, यहाँ भी कई बुक्स में BC लिखा हुआ, कई बुक्स में BCE लिखा हुआ, इन दोनों का एक ही मतलब है, इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं, देखो पहली चीज़ फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट या BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, जो जीरो से पहले वाला टाइम है वो आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में बिफोर कॉमन एरा, और इधर आ जाएगा कॉमन एरा, ठीक है। तो AD मतलब एनो डोमनी और CE मतलब कॉमन एरा। अच्छा, BC में अब देखो एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, नोट कर, यहाँ पे इसको नोट कर लेना, BC में जो टाइम होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। जैसे मान लो BC में अगर किसी का जन्म हुआ 500 BC में, कब हुआ 500 BC में जन्म हुआ, और सपोज 50 साल वो बाद मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है आफ्टर 50 ईयर, तो हम उसको क्या लिखेंगे कि उसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, 500 से 450 BC, 500 से 450 BC, मतलब जो भी टाइम पीरियड आएगा या किसी राजा का जो शासन होता है, शासनकाल होता है, जो रूलिंग पीरियड होता है, उसी उसको भी हम कैसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग मैनर में लिखेंगे। तो ध्यान रखना BC में जो टाइम पीरियड्स होते हैं उनको लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और AD में उसको लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जैसे मान लो किसी का जन्म हुआ 1000 AD में, ठीक है, और भाई साहब 50 साल बाद वो भी टपक गए, तो उनका मतलब टाइम का पीरियड कैसे लिखेंगे, 1000 से लेकर 1050, 1000 से लेकर 1050 यहाँ लगा देंगे AD, ठीक है, ये लग गया
एडी, तो एडी में टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एडी या सी दोनों आए इसमें तो लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बीसी या बीसी आए इसको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले यहाँ पे देख सकते हो आप टाइमलाइन दे रखी है, जैसे आपको पता है सिविलाइजेशन ऑफ गल्फ ऑफ खम्बा, ये जैसे 7500 BC, ठीक है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनका टाइम पीरियड दे रखा है 2500 से 1500 BC, मतलब देख रहे हो 2500 से 1500 BC। BC में जो टाइम पीरियड होता है वो कैसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग मैनर में, देख रहे हो कि 2500 साल पहले स्टार्ट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, खत्म हुआ ये कब तक, 1500 तक। ठीक है, तो मतलब 2500 से 1500 हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो BC या BC में जो टाइम पीरियड होता है उसको डिक्रीजिंग मैनर में लिखते हैं। बात करें कि आर्यंस कब से कब तक, आर्यंस का टाइम पीरियड कब तक रहा, 2000 से 1500 के बीच में, 2000 से 50, ऋग्वेद वाला टाइम पीरियड, अर्ली ऋग्वेदिक एज है उसको बोलते हैं 1500 से 1100 के बीच में, सॉरी 1500 से 100 थाउजेंड कितना, सॉरी 1000 के बीच में, 1500 से 1000 के बीच में ये अर्ली वैदिक पीरियड, और लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक है, 1000 से 500 के बीच है। मतलब BC वाला जो टाइम है उसमें हमें ध्यान रखना है कि BC में टाइम को डिक्रीजिंग मैनर में लिखेंगे, ठीक है, और जैसे AD वाला टाइम आ जाएगा उसको हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे देखो दिखा रखा है, जैसे रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड ने कब से कब तक शासन किया, तो इन्होंने शासन किया 380 से लेकर 414, मतलब 380 से 414, तो यहाँ पे देखो टाइम बढ़ रहा है, तो इसको लिख रहे हैं इंक्रीजिंग मैनर में। समुद्रगुप्त का रेन, मतलब शासनकाल कब से रहा, 335 से 380, इसको भी कैसे लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग। तो AD वाला जो टाइम है उसको तो लिखेंगे इंक्रीजिंग मैनर में, और BC वाला टाइम है उसको लिखेंगे डिक्रीजिंग मैनर में। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, और बुक्स में जनरली ऐसा लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होना। जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है, महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है, जो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, उनका जन्म हुआ 563 BC, और कब उनकी डेथ हुई, 483 BC में, BC में डेथ हुई। तो यहाँ भी देख रहे हो आप डिक्रीजिंग मैनर में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप बुक्स में पढ़ते होंगे सेंचुरी के बारे में, जनरली सेंचुरी लिखा रहता है कि भैया सेकंड सेंचुरी में, या 15th सेंचुरी में, या 11th सेंचुरी में, हिस्ट्री में ये हुआ, ठीक है। तो सेंचुरी का आपको पता ही है, क्रिकेट में सेंचुरी लगाते हैं, जैसे ये सचिन है, सचिन ने सेंचुरी लगाई मतलब कितने रन बन गए, 100, ठीक है, तो ऐसे ही सेंचुरी का मतलब है 100 साल को बोलते हैं एक सेंचुरी, 100 साल का मतलब क्या है, एक सेंचुरी। अब देखो अगर फर्स्ट सेंचुरी लिखा हुआ है तो फर्स्ट सेंचुरी का मतलब है 0 से लेकर 100 के बीच में, थर्ड सेंचुरी लिखा हुआ है मतलब 200 से 300 के बीच में, थर्ड मतलब सेंचुरी, देखो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो रहा है, 300, थर्ड सेंचुरी मतलब 200 से 300 के बीच में, ठीक है। फिफ्थ सेंचुरी है मतलब 500 से 400 के बीच में, फिफ्थ मतलब पहले तो मल्टीप्लाई कर लो 100 से, और फिर उसमें से माइनस कर दो 100, नहीं तो सिंपल ध्यान रखो 11th सेंचुरी दे रखी है, तो 1100 और 1000, तो 1000 से 1100 के बीच में। 19th सेंचुरी है तो 1800 से 1900 के बीच में। अब तो आपको पता है, जैसे अभी लोग बोलते हैं कि भैया 21st सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, मतलब 2000 से 2100 के बीच में, 2000 से 2100 के बीच में। अगर कोई बोले आपको 8th सेंचुरी तो क्या बताओगे, जल्दी बताओ, सोचो, 700 से 800 के बीच में। अगर कोई बोल दे आपको, बताओ 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी, 15th का क्या हो जाएगा, 1400 से 1500 के बीच में, ठीक है। अगर कोई बोल दे आपसे सपोज 8th सेंचुरी, 8th मतलब 700 से 800 के बीच में, ठीक है। 18th सेंचुरी बोल दे तो जल्दी बताओ, 1700 से 1800 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे सेंचुरीज में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, एक बार इसको देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अब एक प्रैक्टिस करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये कितने साल पहले की बात है, अगर मान लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गौतम बुद्ध हैं, उनका जन्म हुआ था 563 BC में जन्म हुआ था, तो मतलब कितने साल पहले की बात है। अगर BC दे रखा है, क्या दे रखा है, BC दे रखा है, तो BC को हमेशा प्रेजेंट टाइम में ऐड कर देंगे, तो उससे पता चल जाए कितने साल पहले की बात है। जैसे प्रेजेंट टाइम क्या आपको पता है, प्रेजेंट ईयर कौन सी चल रही है, 2019, और जन्म कब हुआ उनका, 563 में, तो कितने साल पहले की बात है, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको पता चल गया 2582 ईयर्स है, वो इतने साल पहले की बात है। तो BC में कुछ भी दे रखा है आपको निकालना है कितने साल पहले की बात है। अगर सपोज कोई पूछ ले कि एक इवेंट हुई 2500 BC में, तो कितने साल पहले की बात है, तो 2500 में ऐड कर दो कितना, 2019, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा
ठीक है, तो वो जो आंसर आएगा वो पता चल जाएगा कितने साल पहले की बात है। तो BC में अगर कोई टाइम पीरियड दे रखा है तो ऑलवेज रिमेम्बर उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड प्रेजेंट में। क्यों ऐड करेंगे, देखो ये देखो, अगर मान लो यहाँ की कोई इवेंट है तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता ही है 2019, ये तो है हो ही गया। अब ये वाला जो टाइम है इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो पता चलेगा कितने साल पहले की बात है। तो BC में जो टाइम रहता है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर AD में कोई टाइम निकालना है तो मान लो यहाँ कोई इवेंट हुई तो उसका कैसे पता लगाओगे, आप प्रेजेंट में से इसको घटा दो, उससे पता चल जाए कितने साल पहले की बात है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के तीन बैटल हुए हैं, आपको पता ही है हिस्ट्री में, तीन चीज़ और याद कर लो। फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 AD में, सेकंड बैटल हुआ था 1556 AD में, और थर्ड बैटल हुआ था 1761 AD। AD देख रहे हो, AD, ठीक है, एनो डोमनी। तो अब हमें निकालना है कि कितने साल पहले की बात है। तो पहला, अब इसमें क्या करना है, अगर AD में अगर कोई टाइम दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे AD या BC को प्रेजेंट प्रेजेंट ईयर में से। जैसे मान लो पूछ रहा है पहला बैटल कब हुआ, तो पहला बैटल को क्या करो, प्रेजेंट जो ईयर चल रही है 2019 माइनस कर दो 1526, कितना निकल गया, 493 ईयर्स है वो। तो पहला जो बैटल हुआ था आज से, अब आपको पूछ ले आज की डेट से कितने साल पहले की बात है, तो 493 ईयर्स है वो। कोई पूछ ले सेकंड बैटल कब हुआ, तो 2019 अभी प्रेजेंट ईयर है, इसमें से माइनस कर दो सेकंड बैटल का टाइम कितना है, 1556, तो कितना आया, 463 ईयर्स है वो। तो कितने साल पहले की बात है, 463 ईयर्स है वो की बात है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो कई सारे, तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर BC में टाइम दे रखा है, कोई पूछ ले कितने साल पहले की बात है, तो उसको तो प्रेजेंट में ऐड कर दो, और अगर AD में टाइम दे रखा है तो उसको प्रेजेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए कई सारी चीज़ें देख सकते हो, और बुक में अब तुम देखना, अगर कोई दिक्कत आए आई एम श्योर यू विल नॉट एवर यू विल नॉट कन्फ्यूज। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।